क्या हाल चाल गाइस, आज हम खेलने वाले हैं CSK वर्सेस PBKS का मैच जो कि IPL में आज है। मैच नंबर 11 है शायद तक, तो आज हम इस मैच का गेम प्ले करेंगे, तो देखते हैं कौन जीतता है। और जैसा कि मैंने अब तक आप सभी को बताया कि जितनी भी प्रेडिक्शन है मेरी वो सारी की सारी सही जा रही है और हर मैच जीत रहे हैं हम। तो आज है CSK वर्सेस PBKS, तो देखते हैं कौन यहाँ पर बाजी मार जाता है। अब बारी आती है यहाँ पर टॉस की, तो हेड लिया है यहाँ पर CSK ने, तो देखते हैं कौन टॉस जीतता है और कौन क्या चुनता है। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं बैटिंग करूँगा आज, वैसे मेरा मन कर रहा है बैटिंग करने का। तो देखते हैं यहाँ पर कौन जीते हैं। यहाँ पर पंजाब जीत चुकी है और यह थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मुझे बैटिंग करने का हो रहा था और आज यहाँ पर पंजाब ने जीत कर बैटिंग ले ली है, तो मुझे करनी होगी बॉलिंग, तो करने चलते हैं बॉलिंग। तो मैं फर्स्ट ओवर दे देता हूँ यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को, और मैं सोच रहा हूँ कि जो भी प्लेयर्स यहाँ पर खेलते नहीं है टीम में, तो उनकी जगह मैं लो रैंक के बॉलर्स को बॉलिंग दूंगा, तो जिनको समझ नहीं आया वो आगे जाकर देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, फर्स्ट बॉल डालने के लिए तैयार यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, और स्ट्राइक पर है KL राहुल। तो देखते हैं क्या करता है ये अपनी टीम पंजाब के लिए। वैसे इसकी टीम नहीं है, इसकी टीम तो बन चुकी है अब लखनऊ, लेकिन पुरानी टीम के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शानदार चौके के साथ इस मैच की स्टार्टिंग की है KL राहुल ने, और बता दिया है कि आज वो खतरनाक फॉर्म में है। बढ़िया शॉट लगाया है शार्दुल ठाकुर की, पिटाई होगी पहली बॉल पर, और मैंने थोड़ी सी फील्डिंग चेंज की है। मैं सोच रहा था कि फर्स्ट बॉल पर ही वो फील्ड चेंज कर लूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि KL राहुल ऐसा नहीं करेगा, लेकिन KL राहुल ने वही किया जो उसे नहीं करना था, और ये इसकी पिछले मैच वाली आदत वापस से आ गई है, जिसमें इसने बार बार रिवर्स स्वीप पे चौके चौके लगा रहा था, तो आज भी वापस से रिवर्स स्वीप शॉट घुमाया और चौका बटोर लिया। और मैं चाहता था इस मैच में PBKS बन सकता था, लेकिन PBKS से मैंने पूरा टूर्नामेंट खेला है, एक तो इस वजह से मैं PBKS के जब भी मैच होंगे तो ओपन एंड टीम बनूंगा। जैसे लास्ट वाले में मैं KKR बना था, और उससे पहले मैं RCB बना था, और फिर यहाँ पर मैं बना हुआ हूँ CSK। तो देखते हैं यहाँ पर जीतती है या नहीं जीतती है KKR कहाँ गई। यहाँ पर KKR का नाम ले रहा हूँ मैं, कुछ भी नाम ले रहा हूँ। तो CSK की टीम या पंजाब बाजी मार लेती है। तो यहाँ पर पहली दो बॉलों तीन बॉलों पर तो अच्छी तरीके से स्टार्टिंग की है, और यहाँ चौथी बॉल पर एज लगा और सीधा फील्डर के हाथ में चली गई बॉल। स्क्वायर लेग पर फील्डर था और वहीं पर एज लग कर बॉल गई, तो सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं आया उस बॉल पर। और यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से बैक फुट पंच किया। मैं भी क्या कर रहा हूँ आज, मेरी कमेंट्री बिगड़ गई है, सच्ची लग रहा है मुझे। यहाँ पर बैक फुट पंच किया और तुरंत एक रन ले लिया है, और नेक्स्ट बॉल लेने के लिए तैयार। यहाँ पर पांचवी बॉल हो गई है इस ओवर की, होने लास्ट बॉल है ओवर की, और यहाँ पर गलत डिसीजन, एक यॉर्कर डालने का डिसाइड किया था मैंने, लेकिन यहाँ पर मयंक अग्रवाल पहले ही तैयार था। नहीं, मयंक अग्रवाल नहीं खेल रहा है यहाँ पर, खेल रहा है KL राहुल, तो पहले ही तैयार था और बढ़िया तरीके से कवर्स की तरफ चौका बटोर लिया, तो बहुत ही अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेल रहा है पर KL राहुल। तो देखते हैं कितने रन बनाएगा, मुझे लगता है कि आज अपनी हाफ सेंचुरी कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला था कि जो प्लेयर्स अभी CSK के लिए करंट में नहीं खेल रहे, मतलब 2022 IPL में नहीं खेल रहे, तो उनकी जगह मैं किन्हीं दूसरे रैंक, मतलब जिनकी बॉलिंग रैंक कम है, उन बॉलर्स को बॉलिंग दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सुरेश रैना को बॉलिंग दे दी है, क्योंकि मैक्सिमम बॉलर्स नहीं खेल रहे, तो लास्ट में बचेंगे मोइन अली और दीपक चहर और जडेजा, तो इन तीनों को ओवर दूंगा। और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको ओवर, तो शार्दुल ठाकुर को ओवर देकर थोड़ी सी गलती की, मुझे देना था सैम करन को ओवर, लेकिन मैंने थोड़ा लेट आइडिया आया मुझे कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने शार्दुल ठाकुर को पहले ही ओवर दे दिया। तो अगले तीन ओवर होने वाले हैं दीपक चाहर, मोइन अली और जडेजा के, सीक्वेंस भी यही रहेगा जहाँ तक मैं अभी सोच रहा हूँ, बाकी अगर मेरे को बाद में कुछ चेंज करना होगा तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर चलते हैं अभी, यहाँ पर पहली तीन दो बोले अच्छी तरीके से डाली है, तीन रन आए हैं पहली दो बोलों पर। स्ट्राइक पर है मयंक अग्रवाल, तो देखते हैं कितने रन बनाता है। और यहाँ पर बढ़िया ऑफिस पेन सीधा जाके पेड़ पर लगे मयंक अग्रवाल के, तो बढ़िया तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सुरेश रैना। रैंक मतलब जो क्वालिटी है बॉलिंग में, जिस तरीके से यहाँ पर गेम में इसको रैंकिंग दी गई है बॉलिंग के हिसाब से, तो उससे बहुत ही ज़्यादा और कई गुना अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जिस तरह से शार्दुल ठाकुर को बहुत ज़्यादा रन्स पड़ गए थे, तो यहाँ पर सुरेश रैना को रन्स नहीं लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉलिंग कर रहा है और यहाँ पर डिफेंस कर रहा है। और ये क्या बॉल तो आई नहीं, और उससे पहले ही कलेक्ट कर लिया यहाँ पर सुरेश रैना ने, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया शायद गेम में, तो देखते हैं क्या कब तक सही होता है या ऐसे ही चलता रहता है।
तो यहाँ पर एक और फ्लिक करके सिंगल लेने की कोशिश थी मगर बॉल गई सीधा फील्डर के हाथ में और कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो सुरेश रैना ने क्या गजब का ओवर डाला, मज़ा ही आ गया वो ओवर देख के। सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए ओवर में और मयंक अग्रवाल को एक भी रन नहीं बना ने दिया। और एक तो वाइड का मतलब सिंगल एक रन आया था और एक डबल लिया था तो टोटल 3 रन। और यहाँ पर केएल राहुल वापस से रिवर्स स्वीप खेलता हुआ और यहाँ पर धोनी के पास चांस था, डाइव बढ़िया तरीके से लगाई थी धोनी ने लेकिन बॉल थोड़ी सी जल्दी बाहर निकल गई और कैच नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा वहाँ पर स्पीड करता कर धोनी तो वहाँ पर कैच हो सकता था। और ये केएल राहुल को कोई तो समझाओ, ये रिवर्स स्वीप नहीं खेलना है, ये बार बार एक ही शॉट खेल रहा है। तो वैसे मैं भी एक ही शॉट खेल रहा था बार बार और मुझे भी बोलेंगे सब लोग, लेकिन चलो कोई नहीं, खेल रहा है तो खेल रहा है, अपना ओपोनेंट है कुछ भी करे, इसलिए अपन नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ पर खेल गया राहुल रिवर्स स्वीप, अगर इसने 2 रिवर्स भी बॉल खेली तो मैं वहाँ पर पक्का फिल्टर रखने वाला हूँ, यहाँ पर वही बॉल डाल रहा हूँ जिस पर रिवर्स स्वीप खेलता है। तो देखते हैं क्या करता है इस बॉल पर। और यहाँ पर इसने रिवर्स स्वीप नहीं खेली तो इसने मेरी बात सुन ली शायद कि 2 रिवर्स स्वीप और खेली तो फिर मैं वहाँ पर फिल्टर रख दूंगा। तो ये पहले ही समझ गया कि अब फिल्टर आ गया तो रन नहीं बनेंगे, इसलिए रिवर्स स्वीप अभी नहीं खेली, शायद लास्ट ओवर तक खेलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार, बढ़िया तरीके से बैकफुट पंच किया और यहाँ पर एक रन दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से ले लिया है। दीपक चहर की भी बिल्कुल शार्दुल ठाकुर टाइप स्टार्ट हुई है, बहुत ही बुरा वाला धोया यहाँ पर, 4 बॉलों में 10 रन तो दे ही दिए। तो देखते हैं अगली 2 ओवर बॉलों में क्या करता है। और यहाँ पर 5वीं बॉल डालने के तैयार, डाल भी दी 5वीं बॉल, यॉर्कर थी और डिफेंस की यहाँ पर मयंक अग्रवाल ने, बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहा है मयंक अग्रवाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पीवी के ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी क्योंकि ये ऐसे ही डॉट करता रहेगा तो टीम के लिए केएल राहुल अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक और बढ़िया तरीके की यॉर्कर और डिफेंस किया यहाँ पर मयंक अग्रवाल ने, बढ़िया बॉलिंग करी यहाँ पर क्या बोलते हैं अपने बॉलर, मैं तो नाम ही भूल गया था वैसे, अभी तो मुझे याद आ गया दीपक शहर, क्या पता क्या हो जाता है कभी बार, तो मुझे नाम तुरंत याद आ गया। और बॉलिंग के लिए अब मिलाया हूँ मोइन अली, तो जैसा मैंने सीक्वेंस बोला था कि मैं पहले बॉलिंग दूंगा दीपक शहर को और फिर दूंगा मैं बॉलिंग मोइन अली को, साथ में लास्ट ओवर दूंगा मैं रविंद्र जडेजा को। तो यहाँ पर पहली ही बॉल पर मोइन अली को एडवांस शॉट खेल कर चौका लगा दिया है यहाँ पर केएल राहुल ने। तो देखते हैं आगे की बॉलिंग में क्या करता है ये, तो और अच्छे से बॉलिंग करेगा मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ पर एक और ड्रिफ्टर डालने की कोशिश है, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पर। तो बढ़िया तरीके से बॉल डाली और वापस से रिवर्स स्वीप, यार इसकी रिवर्स स्वीप का क्या करूँ मैं, मुझे फील्डिंग चेंज नहीं करनी है क्योंकि मेरे को ये बहुत सही फील्डिंग लगती है और अगर ऐसे ही फील्डिंग चेंज होती रहेगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पूरी सीएसके की टीम को। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओवर की अपने तीसरी बॉल डालने के लिए तैयार, पहली 2 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज आ चुकी है और एडवांस शॉट खेला, लॉफ्ट हेड खेला और यहाँ पर 2 रन आराम से मिल जाएंगे। तो मैं अब थोड़ा सा साइड चेंज करने वाला हूँ क्योंकि इस साइड से तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहा है मोइन अली को केएल राहुल, तो साइड चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने साइड चेंज कर ली, यहाँ से भी मैं ड्रिफ्टर ही डालूंगा तो देखते हैं क्या करता है यहाँ पर केएल राहुल ड्रिफ्टर को किस तरीके से खेलता है। बढ़िया तरीके से डाली और यहाँ पर भी इसने चौका लगा दिया, मतलब कि यह आज अलग ही फॉर्म में, जैसे रियल में भी यहाँ पर लखनऊ के सामने क्या बढ़िया तरीके से खेला था, मतलब लखनऊ के लिए सीएसके के सामने क्या बढ़िया तरीके से खेला था केएल राहुल, तो शायद सीएसके के सामने अलग ही फॉर्म में रहता है ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पर ऑफ स्पिन डालने की कोशिश है और एक और रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार बॉल गई सीधा फील्डर के हाथ में, इस बार थोड़ी सी खुशी हुई वरना तो इसके हर रिवर्स स्वीप पे चौका ही मिल रहा था इसको। इस बार वहाँ पर फील्डर तैयार था तो एक भी रन नहीं मिला, डॉट बॉल हो गई है। यहाँ पर एक और ड्रिफ्टर और इस बार जाके बॉल लगी बॉडी पर, तो पहली 4 बॉलों में यहाँ पर मोइन अली ने दे दिए थे 14 रन और फिर लास्ट की जो बॉलिंग की लास्ट के 2 बॉल की उसमें क्या बढ़िया तरीके से वापसी की वहाँ पर और दोनों के दोनों डॉट कर दिए और वापस से यहाँ पर थोड़ा सा पंजाब किंग्स इस मैच में मतलब हावी हो रही है यहाँ पर सीएसके की टीम पर। और यहाँ पर मयंक अग्रवाल ने भी अपने हाथ खोले और जड़ दिया शानदार छक्का। तो अगर मयंक अग्रवाल भी अगर इस ओवर में ऐसी 2-3 बाउंड्रीज लगा देता है तो फिर थोड़ी सी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में आ जाएगी यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम। तो हमें जल्द से जल्द ये इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा और अब तो तोड़ने का मतलब भी नहीं, लास्ट ही ओवर है, अगर 4 बॉलों में 10 रन भी आते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा आराम से, वहाँ पर फिल्टर है। तो यहाँ पर मयंक अग्रवाल को 1 रन मिला, उस छक्के के बाद भी मयंक अग्रवाल बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं अब लास्ट की 3 बॉलों पर यहाँ पर केएल राहुल क्या करता है, यहाँ पर आम बॉल डालने की कोशिश है जडेजा की। तो देखते हैं यहाँ पर आगे बढ़ के नहीं खेला, यहाँ पर खड़े खड़े खेला और
स्क्वायर लेग और फाइन लेग के जो रीज़न होता है वहाँ पर बढ़िया तरीके से लॉफ्टेड शॉट लगाया और चौका बटोर लिया है, तो 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई यहाँ। तो मुझे तो लग रहा है कि एम एच सी एस के हारने वाली है। वैसे तो मैं 12 पर ओवर रन चेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर दो बॉल बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अब तक तो हमारे मतलब एरिया में ये मैच हमारे हाथ से नहीं छूटा है, मैच हमारे हाथ के अंदर ही है, मतलब हमारी रीच में ये स्कोर जो यहाँ पर बनाया है अब तक पंजाब किंग्स ने, और कैप्टन जडेजा यानी कि सर जडेजा ने यहाँ पर ले लिया है एक विकेट, जो कि ओपोनेंट टीम के कैप्टन के एल राहुल का। तो बढ़िया, एक बार कैप्टन वर्सेस कैप्टन की फाइट हुई। पहली बॉल पर कैप्टन ने चौका लगाया था और अगली बॉल पर यहाँ पर जडेजा ने केएल राहुल को आउट करके बता दिया कि असली कैप्टन कौन है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से बॉलिंग की, लेकिन लास्ट बॉल पर मयंक अग्रवाल ने भी अपने हाथ खोल दिए और जड़ दिया शानदार छक्का, तो पहुँचा यहाँ पर पीबी केएस का स्कोर 56 रन पर और हमें बनाने 57 यानी 57 रन। तो देखते हैं सीएसके बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पर बॉलिंग के लिए आया है क्रिस जॉर्डन। तो क्रिस जॉर्डन और जो कगिसो रबाडा है वो दोनों करीब करीब सेम ही कैरेक्टर टाइप लगता है मुझे इन दोनों के चेहरे। तो अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस जॉर्डन नहीं कगिसो रबाडा बॉलिंग कर रहा है। और सबसे एंटरटेनिंग बात इस मतलब यहाँ पर क्रिस जॉर्डन की ये है कि क्रिस जॉर्डन लास्ट ईयर जो था वो पीबी गेस की टीम में था, तो इस हिसाब से गेम में वो पीबी गेस की टीम के लिए खेल रहा है, मगर वो रियल में चेन्नई की तरफ से खेल रहा है। तो यहाँ पर चेन्नई का ही प्लेयर चेन्नई को ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बढ़िया तरीके से खेला दूसरी बॉल को और यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक रन मिल जाएगा। तो दो बॉल में 5 रन हो गए हैं और हमें चाहिए अगर ये मैच जीतना है तो 11 से 12 की रन रेट, क्योंकि यहाँ पर 57 रन का टारगेट है, तो इसके लिए हमें 11.6 की रन रेट चाहिएगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर चेन्नई की जो टीम है वो ये स्कोर चेस कर पाएगी या ये मैच हार जाएगी। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से रॉबिन उथप्पा ने भी चौके के साथ स्टार्टिंग की है, तो आज थोड़ा सा सेफ खेलेंगे क्योंकि चेन्नई के पास इतने हिटर्स हैं नहीं। तो यहाँ पर क्रिस जॉर्डन अपने ओवर की चौथी बॉल डालने के लिए तैयार, तो यहाँ पर रन अब स्टार्ट कर दिया है क्रिस जॉर्डन ने। तो देखते हैं यहाँ पर रॉबिन उथप्पा क्या करता है इस बॉल पर, कवर्स की तरफ खेलने की कोशिश, अच्छे से टाइम नहीं हुआ, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा रॉबिन उथप्पा को। अगर ऐसे ही चलते रहे तो पर ओवर 15-15 रन आएंगे, तो आराम से मैच जीत सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। तो यहाँ पर अपने ओवर की पाँचवीं बॉल डालने के लिए तैयार और एडवांस शॉट खेलने की कोशिश, बढ़िया तरीके से टाइम नहीं हुआ और फील्डर मिल गए रास्ते में, और यहाँ पर अब ऋतुराज गायकवाड़ को वापस जाना होगा पवेलियन की तरफ। तो थोड़ी सी ख़राब बैटिंग चल रही है यहाँ पर अभी, तो बहुत जल्दी विकेट गिर गया। पहली चार बॉलें अच्छी गई थी चेन्नई के लिए, मगर पाँचवीं बॉल पर विकेट गिर गया, प्रेशर आता हुआ यहाँ पर चेन्नई की टीम के लिए। और लास्ट बॉल डालने को तैयार यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, तो देखते हैं क्या होता है इस बॉल पर। स्लो ओवर वन थी, पढ़ भी लिया था मगर अच्छी तरीके से टाइम नहीं कर पाए यहाँ पर बैट्समैन रॉबिन उथप्पा। अब नया बॉलर आया है यहाँ पर बॉलिंग करने, मोहम्मद शमी, तो देखते हैं किस तरीके की बॉलिंग करता है यहाँ पर शमी। स्ट्राइक पर है अभी मोइन अली, तो देखते हैं मोइन अली क्या करता है। मोइन अली ने पहली बॉल को बढ़िया तरीके से खेला स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में, वैसे ये जगह तो स्क्वायर लेग ही बोल सकते हैं अपन, तो खेला वहाँ पर और बढ़िया तरीके से यहाँ पर चौका बटोर लिया है। इस ओवर की स्टार्टिंग भी बढ़िया तरीके से हुई है, पहले ओवर में 10 रन आ गए, तो अब थोड़ा सा किसी एक आधे मतलब एक से ज़्यादा ओवर में हमको 12 ओवर आया 13-13 या 15 तक रन बनाने पड़ सकते हैं, तो फिर हम अपने जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर पहली दो बॉलों में बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई, तो लग रहा है कि ये ओवर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है यहाँ पर जो चेन्नई की टीम है उसके लिए, इसमें ज़्यादा रन आ सकते हैं क्योंकि पहली दो बॉलों में 8 रन आ गए, तो अगर 4 बॉलों में हम 6 रन भी बनाते हैं तो भी 14 रन हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या चेन्नई की जो बैट्समैन है वो ये चीज़ कर पाएंगे, क्या वो स्कोर कर पाएंगे ज़्यादा रन। और यहाँ पर आउट स्विंग करवाए यहाँ पर बॉल, मुझे लगा था आउट मतलब वाइड होगी, लेकिन ये यहाँ पर अंपायर ने वाइड नहीं दी क्योंकि मोइन अली थोड़ा सा अपने पोजीशन में हिल चुका था, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रेट में खेलने की कोशिश है। बढ़िया तरीके से खेला, 2 रन मिल जाएंगे इस बॉल पर, तो 4 बॉलों में आ गए हैं अब तक 10 रन। देखते हैं लास्ट की दो बॉलों पर क्या होता है। स्ट्राइक पर अभी भी है मोइन अली और बॉलिंग करने के लिए तैयार यहाँ पर मोहम्मद शमी, अपने इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल डालता हुआ यहाँ पर मोहम्मद शमी एक बार फिर से एडवांस शॉट खेलने की कोशिश, मगर इस बार जाके सीधी बॉल लगी बॉडी पर,
थोड़ी से यहाँ पर फिजियो को बुलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये गेम वाली कमेंट्री मुझे नहीं करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं कभी कभार कर लेता हूँ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पर ओवर की लास्ट बॉल डालते हुए और ये भी मिस, कहाँ मुझे लग रहा था कि इस ओवर में 14 रन आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर 10 रन ही आए। और यहाँ पर अब CSK के ऊपर प्रेशर बनता हुआ बहुत ज़्यादा भारी वाला प्रेशर बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि रन्स नहीं आ रहे, बहुत ही रुक रुक कर रन्स आ रहे हैं। पर ओवर 10 ही रन दे रही है यहाँ पर पंजाब की जो टीम है, तो मुझे लगता है कि आज पंजाब की टीम जीत सकती है। और वैसे मेरे प्रेडिक्शंस जो है वो अब तक तो बहुत ज़्यादा ही सही गई है, क्योंकि हम अगर इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से देखे चेन्नई और KKR का हमने यहाँ पर गेम प्ले किया था तो उसमें KKR जीत गई थी, उसके बाद हमने एक बार RCB और KKR का किया था उसमें RCB जीत गई थी, और हमने कल ही वीडियो में MI और RR क्या किया था तो उसमें RR जीत गई थी। तो हम लगभग सारी प्रेडिक्शन सही जा रही है हमारी। हमने PBKS और KKR का किया था उसमें KKR जीत गई थी। तो अब तक मैंने जितने भी गेम्स खेले हैं वह उसमें सभी में मेरी प्रेडिक्शंस क्या मेरे जो गेम प्ले का रिजल्ट है वही रिजल्ट है रियल में भी हो रहा है, और यहाँ तक कि बैट्समैन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे PBKS और KKR का किया था तो वहाँ पर लास्ट ओवर में आकर, जैसे यहाँ पर तो 5 ओवर का मैच होता है तो 5वें ओवर में आकर रसल ने क्या गजब की हिटिंग की थी, इसने करीब 3 बॉलों में 16 रन के आसपास बना दिए थे 3 या 4 बॉलों में। और उस दिन रियल में भी रसल ने बहुत ही बुरे तरीके से धोया था पंजाब किंग्स को। तो देखते हैं आज क्या होता है। यहाँ पर चेन्नई की टीम बैटिंग तो कर रही है, मुझे लगता है कि आज पंजाब की टीम जीतेगी, तो मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि पंजाब की टीम जीतेगी। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, और ये वीडियो शायद जब सेकेंड इनिंग चल रही होगी तभी के आसपास मैं अपलोड करूँगा। अभी तो मैं, जैसे कि अभी तो बजी है यहाँ पर दिन की दोपहर की 1:30 बजी हुई है, तो मैं अभी तो वीडियो अपलोड नहीं करने वाला, मैं इस वीडियो को करीब 10:30 या 11 बजे तक अपलोड करूँगा। तो फिर कोई कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये तो मैच हो रहा है और फिर बाद में वीडियो रिकॉर्ड करता है और बाद में अपलोड करता है, तो उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी 1:30 बजी हुई है दिन की, तो अगर मैं इस वीडियो को रात को अपलोड करूँगा 1:30 से 11 बजे, तो आप सभी कुछ लोग तो मान लेंगे कि हाँ चलो सही बात है, लेकिन कुछ लोग फिर भी यही कहेंगे कि झूठ बोल रहा है ऐसा कुछ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। और मैंने अभी 1:30 बजे वीडियो अपलोड की और मैं अपलोड किया गया वीडियो रिकॉर्ड की है, और मैं इसे अपलोड करूँगा 1:30 या 11 बजे तक, 1:30 या 11 क्या कुछ भी बोल रहा है यार मैं, क्या हो रहा है मुझे, 10:30 या 11 बजे तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो उस बात को छोड़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैच पर फोकस करते हैं। तो वहाँ पर अभी इससे पहले जो रवि बिश्नोई ने ओवर डाला वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओवर डाल दिया, उसने भी बहुत कम रन दिए, 10 ही रन दिए उसने भी। तो अब हमें 2 ओवर बाकी है और पूरे 27 रन चाहिए जीत के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर मुझे पर ओवर 14 रन बनाने होंगे, और यहाँ पर मैं 14 रन बनाने की बात कर रहा हूँ, और नैथन एलिस ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और विकेट ले लिया है यहाँ पर मोइन अली का। पुल खेलने की कोशिश थी मोइन अली की मगर बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और सीधा शॉट मार दिया फील्डर के हाथ में। तो यहाँ पर मैंने अब बैटिंग के लिए बुलाया अंबती रायडू को, तो देखते हैं अंबती रायडू क्या करता है। मैंने आज 4th नंबर पर अंबती रायडू को बुलाया थोड़ा सा जल्दी, वैसे तो 5th नंबर पर रखते हैं लेकिन मैंने आज थोड़ा सा जल्दी बुलाया क्योंकि रन ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर मोइन अली के बैक टू बैक विकेट्स आ रहे, अभी इससे पहले मोइन अली आउट हुआ और अभी सेट बैट्समैन रॉबिन उथप्पा भी आउट हो गया। तो ये क्या पता क्या हो रहा है आज चेन्नई की टीम को, स्कोर नहीं कर पा रही, रन्स नहीं आ रहे यहाँ पर चेन्नई के लिए। तो अब मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मुझे 80% तो लग रहा है कि पंजाब जीत जाएगी मगर 20% चेन्नई के भी जीतने के चांसेस है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरा तो 80% पंजाबी है। तो यहाँ पर 5वीं बॉल पर 2 रन आ गए इस ओवर की, और ये हैट्रिक बॉल थी तो बढ़िया हुआ, नथन एलिस को हैट्रिक नहीं मिली। और अब नथन एलिस अपने ओवर की 6वीं और आखिरी बॉल डालते हुए, तो देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है, इस पर कितने रन आते हैं। 2 रन आएंगे तो 6 बॉलों में 6 रन होंगे। तो और यहाँ पर मैं 2 रन की बात कर रहा था, मैंने 2 ही मांगे थे, मैंने बाउंड्री तक का नहीं बोला था, और यहाँ पर डॉट बॉल हो गई, मतलब ये तो गजब का स्कैम हो गया। पर अब लास्ट ओवर में 24 रन चाहिए, हर बॉल पर बाउंड्री चाहिए, तो देखते हैं अगर एक भी बॉल डॉट होती है तो मैच की पूरी सिचुएशन बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से अंबती रायडू ने इस बॉल को खेला, गैप में खेला और पहले बॉल पर तो चौका आ गया है। बस अब ऐसी 5 बॉलों पर लगातार चौके आएंगे तो फिर ये मैच जीत जाएगी चेन्नई की टीम। तो देखते हैं क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता। 5 बॉलों में 20 रन चाहिए, तो एक फुल लेंथ वाली बॉल डालने की कोशिश यहाँ पर अब किस तरीके से खेलेगा अंबती रायडू देखना होगा। और यहाँ पर मिस टाइम, मतलब मिस हो गई बॉल,
अच्छी तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ और यहाँ पर अपील की है पंजाब की टीम ने, मुझे लगता है कि रिव्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप जो होता है वहाँ पर पिचिंग हुई है बॉल की, इस वजह से तो यहाँ पर नहीं लिया यहाँ पर रिव्यू। और चलते हैं अब थोड़ा आगे, सेम तरह की बॉल लेने की कोशिश यहाँ पर अंबती रायडू, थोड़ा सा हट के खेलेगा यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ खेलने की कोशिश और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया वो शॉट को, लॉफ्टेड खेलने की कोशिश थी मगर ये तो शॉट ग्राउंडेड तरीके से गया, टाइमिंग थोड़ी ख़राब थी इस वजह से, तो इस बॉल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रन मिल पाया। अब हम यहाँ पर सीएसके को चाहिए 3 बॉलों में 19 रन, तो देख मुझे बहुत मुश्किल लगता है 18 रन चाहिए और यहाँ पर वो बोलते हैं कंगाली में आटा गीला, तो यहाँ पर आटा गीला हो गया। यहाँ पर मुझे लगा था ये वाइड बॉल है तो कम से कम एक रन वाइड का आएगा मगर ये बॉल बहुत ज़्यादा ही टर्न हो गई, बहुत ही गजब की बॉल डाली है कैरम बॉल, तो और अब वापस जाना होगा यहाँ पर सुरेश रैना को पवेलियन की तरफ। मुझे सच में लगा था कि ये वाइड बॉल होगी मगर बहुत ही गजब की बॉल थी ये, तो बढ़िया बॉल के साथ वहाँ पर विकेट लिया हरप्रीत ब्रार ने सुरेश रैना का, तो स्ट्राइक पर आया है धोनी, तो धोनी लास्ट की 2 बॉलें खेलेगा। यहाँ पर धोनी ने डाइव लगा के अपने आप को बचाया और धोनी जानता है कि जितने रन बन सके उतने रन, लास्ट में नेट रन रेट का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इस वजह से धोनी यहाँ पर जितने रन हो सके, जीत तो नहीं सकते मगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बन सके उतने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रन इस बॉल पर आ जाएंगे तो बढ़िया तरीके से 2 रन ले लिए, तो चेन्नई के बने 5 ओवर में 43 रन और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चेन्नई हार चुकी है 14 रन से, यहाँ पर पंजाब ब्लास्टर जीत गई है, तो यह थोड़ी खुशी भी एक पंजाब जीती और थोड़ा दुख भी एक चेन्नई जीती, तो मैं तो दोनों ही टीमों से खेल रहा था ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मैं आंसर दे रहा हूँ, तो अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर चेन्नई हार गई है पंजाब जीत गई है, तो देखते हैं आज क्या होता है रियल गेम में। वैसे यहाँ पर केएल राहुल मैन ऑफ द मैच है, तो बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, 40 रन बनाए थे केएल राहुल ने और ये चीज़ देखने में इम्पोर्टेंट रहेगी कि अब तक हमारे सारे गेम प्ले का रिजल्ट सेम रहा है रियल रिजल्ट से, तो आज क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, देखते तो हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो ना।